अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑनलाइन अर्निंग का टीचर। तो आज ऑनलाइन अर्निंग के लेक्चर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चलने वाला है। पूरे जो हमने कोर्स शुरू किया है उसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो हिस्सा यही है कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना, नंबर टू अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसको लिंक कैसे करना है इस अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर। तो ये सारा प्रोसीजर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। अगर हम इस पॉइंट को नहीं समझ पाए तो समझिएगा कि आप अर्निंग का कोई सोचिएगा भी नहीं कि अर्निंग हम कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। मैं कोई गलती करूँगा मैं भी नहीं कर सकता, आप गलती करोगे आप लोग भी नहीं कर सकोगे काम। और सेकेंडली, ये जो लेक्चर आपको दो दिन के बाद क्यों मिला रहा है, क्यों दिया जा रहा है, दो दिन डिले क्यों हुआ, क्योंकि एडसेंस के ऊपर कुछ काफ़ी सारे तरीक़ेकार होते हैं अप्लाई करने, कुछ रूल्स हैं एडसेंस के जो मैं समझने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने पहले एक एडसेंस मेरा अकाउंट चल रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मैं दूसरा एक ईमेल आईडी बनाया था ऑनलाइन अर्निंग 1586@gmail.com वाला, मैंने उसी से जब अप्लाई किया अपने पास कहाँ पर एडसेंस पे, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने में पूरा एक दिन के बाद वो बताता है कि आपका अकाउंट एक्सेप्ट होना है कि रिजेक्ट होना है। तो मुझे एक रात उसके ऊपर लग गई। जब सुबह उठ के देखा, जब नेक्स्ट डे देखा, तो उसने बोला जी रिजेक्ट है क्योंकि आप एक पहले से एडसेंस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जी। तो फिर मुझे क्या काम करना पड़ा, फिर अपने भाई का आईडी इस्तेमाल करके फिर उसके बेस के ऊपर एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ा, और उसके आईडी के साथ जो अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल मेरा बना हुआ है ऑनलाइन अर्निंग वाले आईडी के ऊपर, और मेरे भाई का जो आईडी है उससे मैंने एडसेंस क्रिएट करने के बाद दोनों को कंबाइन किया गया है। तो ये कंप्यूटर के ऊपर चार हिस्सों में मैंने इसको बना के आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। छोटे छोटे से क्लिप हैं, कोई थोड़ा सा जहाँ एडसेंस है थोड़ा सा लेंथी होगा वो तरीकाकार, तो वो आपने अच्छे से समझना है इस चीज़ को, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पॉइंट इसका मिस नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, आपसे शेयर की गई वहाँ पे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जाके अच्छे से आपने जो बातें वहाँ करूँगा, जो पॉइंट समझाऊँगा उन्हें पिक करना है और सेम वैसे ही काम करना है। और फिर यही कहूँगा कि आपका एक आईडी होगा, एक सेल नंबर होगा, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करने वाला। मेरा अकाउंट पहले था इसलिए मुझे थोड़ा सा दो दिन डिले करने के बाद आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर पेश करना पड़ा। तो प्लीज़ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर देखते हैं वापस आके नेक्स्ट कुछ ज़रूरी बातें जी। प्लीज़ जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या है, एडसेंस को अप्रूव करवाने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने चार छोटे छोटे क्लिप्स में बना के आपके लिए स्टोर कर दिए गए हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि इसको काम ने करना कैसे है जी। ओपन करता हूँ मैं क्लिप नंबर वन, उसके अंदर काम क्या है जी, पहले वाला, उसके अंदर हमारा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल बन चुका है, ठीक है जी। अब हम चैनल पर क्लिक करेंगे अपने, देखते जाइएगा साथ साथ, ज़रा जो करता जाऊँ काम उसको फॉलो करते जाइए जी काम को। ज़रा चैनल पे क्लिक किया, और अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारा चैनल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया, इसको हमने कर लिया था अपने पास वेरीफाइड, तो ये वेरीफाइड हो चुका था, जिससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई थी, कस्टम थंबनेल और लॉन्गर वीडियो की ऑप्शन ये ग्रीन हो चुकी थी हमारे पास। अब इसका अगला काम क्या है, मोनिटाइज के ऊपर इनेबल पर हमने क्लिक किया, देखिएगा कहाँ से, दिस वन इनेबल पे क्लिक किया हमने, मोनेटाइजेशन में जाकर इनेबल कर लिया हमने फर्स्ट। अब यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये इसका व्यू थोड़ा सा डिस्टर्ब है, देखिए सारा कुछ नीचे की तरफ आ चुका है। अगर आपके साथ भी इस तरह ये ग्रे सा हो तो परेशान नहीं होना, पे थोड़ा सा नीचे कर लेना है, उनके व्यू के थोड़ा सा फ़र्क है जी। पहला काम अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, हम कहते हैं जी हमें अप्लाई करना है आज, और हम कहते हैं स्टार्ट पे कर देंगे क्लिक कि हमें अपने चैनल को अप्लाई करना है। जिनके कुछ आ रही है शराइत आ रही है, वो भी उर्दू में उन्होंने कहा, ताकि हर कोई शख्स इसको अच्छे से पढ़ ले समझ ले, ताकि कोई मसला ना बन सके, तो वो कहते हैं इन सबको पढ़ें, उसके बाद इन तमाम के ऊपर टिक करें और इसे आई एक्सेप्ट करें। तो मैं कहता हूँ ओके, मैंने रीड कर लिया, आई एक्सेप्ट, आप भी ऐसे कर दीजिएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। इसमें आई एक्सेप्ट करने के बाद अभी ऊपर ये देखिएगा, ये वाला एरिया आपको रेड सा नज़र आ रहा है, तो अब देखते हैं आई एक्सेप्ट होने के बाद, अगर तो ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑप्शन आपकी हो जाएगी ग्रीन, वो कहेगा जी आपका स्टेप नंबर वन लें जी। स्टेप नंबर वन ऑफ अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन आपका क्लियर हो चुका है, तो अब दूसरे स्टेप में चलेंगे हम लोग, उसमें क्या काम है। जब ये आपका पहला काम डन, दूसरे स्टेप के अंदर ओपन करता हूँ स्टेप नंबर टू,
इसके अंदर क्या किया गया जी, गूगल ओपन करके एडसेंस लॉगिन लिखा, उसके बाद ये जो लॉगिन एडसेंस लॉगिन 3 ये जो लिंक आ रहा है मतलब गूगल एडसेंस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ओपन कर लेना जिसको, बस ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद जो जो हमें ज़रूरत की चीज़ें पड़ेंगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो देख लेते हैं अभी साथ साथ हम लोग। ओपन किया हमने, ऊपर से लिखा जी हमने गूगल एडसेंस पे, उस पर जैसे क्लिक किया तो ये हमारे सामने आ गया पेज। हमें क्लिक करना है यहाँ से स्टार्ट दिस वन, जो ऑप्शन आ रही है वाली साइन अप वाली, इस पर आपने क्लिक कर देना है इसको और इसे कर देना है स्टार्ट। साइन अप नाउ पे हमने किया क्लिक, तो जिससे क्या हो गया हमारा पेज हो जाएगा स्टार्ट साइन अप करने के लिए। लॉगिन होता जाएगा पेज आपका एडसेंस के ऊपर। मजीद कुछ और लेक्चर भी बना दूंगा, तो यहाँ आप देखिएगा क्या कहते हैं जी, यहाँ कहते हैं जी आपने अपना योर यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे हमें वो चैनल अपना पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, तो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। तो उसकी देखते हैं ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। ये हम लोग अभी चलते हैं एक यूट्यूब पेज ओपन करने की करते हैं कोशिश, ताकि हम अपना यूट्यूब का जो चैनल था उस लिंक को इस एडसेंस के साथ वेरीफाई करवा सकें। इस एडसेंस की डिटेल में कुछ और लेक्चर्स भी आपके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा काम स्टार्ट हो सके और स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़ते जाएं तो हमें बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि ये काम कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो अभी तक का सिर्फ इतनी टेंशन में हमने पढ़ना है कि हमें अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसके लिए एक तो एडसेंस बनाना कैसे है, और एडसेंस बनाने के बाद उसके साथ अपना चैनल आप लोगों ने लिंक कैसे करना है। तो इन स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, वहाँ पे अपना चैनल अब आपने कैसे ओपन करना है। तो यहाँ आपने चैनल एड्रेस पेस्ट करना है, उसका तरीका का ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जैक्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकें आप। हम क्लिक करते हैं अपने ब्राउज़र पर, ब्राउज़र में हमने YouTube लिख के सर्च किया, थोड़ा सा स्लो लोड होता है। हम एक काम कर लेते हैं, जो दूसरा अपना होता है ब्राउज़र, हम एक काम ये करेंगे, दूसरा मेरे पास नीचे क्रोम ब्राउज़र के अंदर मैंने ये चैनल अपना ओपन किया हुआ है, वो आपको ओपन करना समझा भी देता हूँ कैसे करते हैं। आप जब YouTube अपनी साइट ओपन करेंगे, आपका लॉगिन पेज खुला होता है, जब सिंपल सी बात है YouTube ओपन किया, यहाँ पर हमने पेस्ट करना है और ये अपने हम जहाँ आपको डिस्प्ले एक बार कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए कि यहाँ हमने पेस्ट करना है और लेना कहाँ से है। अब वो चेक कर लेते हैं अच्छे से ज़रा। ये हम लोग आ गए चैनल के ऊपर, मैं जी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने पास, हम लोग आ गए अपने इस चैनल में, जैसे कि आपको प्ले करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ से हम गए थे, हमने जस्ट क्लिक किया इस अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो अपना लॉगिन वगैरह करने के बाद जब आप क्रिएटर स्टूडियो में आ जाते हो, तो क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद आपको कब ज़रूरत किस चीज़ की पड़ने वाली है वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। भी क्रिएटर स्टूडियो में गए हम लोग, क्लिक किया ऊपर, ये देखिए जो पूरा आपके पास आ रहा है, ये जो पूरा आ रहा है इस पूरे को आपने कॉपी किया लिंक को, और कॉपी करने के बाद उस पेज में जाना है जहाँ पर आप ये एडसेंस पे काम कर रहे थे जी। तो यहाँ आते हैं और यहाँ आके इस जगह पर आपने उसे कर दिया पेस्ट लिंक को, पूरे को जो हमने वहाँ से कॉपी किया, तो राइट क्लिक और पेस्ट, पूरा कोड यहाँ आ चुका है। अब इस जगह पे आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपने एक ही ईमेल आईडी यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये मेरा, अगर आप ईमेल आईडी देख सकें तो यहाँ ईमेल आईडी कुछ और होगा, वहाँ ईमेल आईडी कुछ और है। तो आप लोगों ने जो काम करना है, आपका ईमेल आईडी एक ही चलेगा, आपके अलग अलग ईमेल आईडी नहीं चलेंगे, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। मुझे क्या काम करना पड़ा, मुझे आईडी क्यों चेंज करने पड़े, मुझे इसलिए आईडी चेंज करने पड़े ये वाले, क्योंकि मेरा एक एडसेंस पहले बना हुआ था, मेरे अपने जो मैंने एक ऑनलाइन अर्निंग वाला ईमेल एड्रेस बनाया था, तो क्योंकि डिटेल सारी मैंने उसमें अपनी दोबारा पुट की थी, तो उन्होंने जब वेरीफाई किया उन्होंने बोला आपका तो एडसेंस बना हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट मुझे नहीं किया, इसलिए दो दिन लेट लेक्चर भी आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये वाला। इसकी वेरीफिकेशन मैं कर रहा था काम, ताकि मुझे एकदम परेशानी का सामना जो करना करना पड़े, आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब हमने क्या किया, सिंपल सी बात ही अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉइंट बड़े समझने वाले हैं, समझ जाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने ऊपर अपने चैनल का लिंक पेस्ट करना है, यहाँ आपने वो ईमेल आईडी पेस्ट करना है जो आप लोगों ने अपने एडसेंस के लिए, अपने चैनल के लिए सब जगह इस्तेमाल किया होगा। अगर आपका
पहले एडसेंस आपका डिसेबल हो चुका हुआ है, आप पहले ट्राई किया आपने, आपका एडसेंस डिसेबल हो चुका है, तो फिर आपको ये जरूरत पड़ेगी जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक एडसेंस पहले ही था, दूसरा एडसेंस मैं ट्राई करने की कोशिश की तो वो नहीं बन सकता। इसका मतलब एडसेंस वाले कहते हैं कि आपके एक पर्सन का पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक एडसेंस होगा, इसके अलावा दूसरा एडसेंस नहीं बन सकता। ओके, दूसरा एडसेंस उसका नहीं बन सकता। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही घर में रहने वाले दो, जैसे ये मैं एक भाई अपने भाई का इमराइडी यूज कर रहा हूँ, तो वो ये नहीं कहते कि आप अपने लाजमी घर के किसी फर्द का, क्योंकि एड्रेस तो सेम हो सकता है, क्योंकि एक घर में ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, और वो एडसेंस वाले ये भी मानते हैं कि एक घर में ज्यादा लोग भी तो हो सकते हैं जो एडसेंस और अपने अपना चैनल बना काम कर सकते हैं, तो वो इस चीज को अलाउ कर देते हैं कि एड्रेस सेम होना चाहिए, लेकिन आपका एक पर्सन का एक एडसेंस होगा, जिस नाम से बनेगा वो एक ही होना चाहिए। ये पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर कर लेना, समझ जाना इस पॉइंट को। अब इसके बाद स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है जी, यहां लिखने के बाद इसे यस पे क्लिक किया हम लोगों ने, ईमेल आईडी अपना लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब वो यहां से फिर से आपसे पूछ रहा है कि यूज डिफरेंट यूआरएल, कि जो आपने चैनल का यूआरएल लिखा है यही चलाना है, कोई डिफरेंट यूआरएल इस्तेमाल करना आपने। हम कहते हैं जी ये जो यूआरएल आ रहा है हमने यही इस्तेमाल करना है, आप इसे कंटिन्यू करें इन यूट्यूब के लिए। तो क्लिक कर देते हैं इसके कंटिन्यू के ऊपर, हम कहते हैं जी कंटिन्यू इन यूट्यूब। जी ज्यादा क्लिप बनाने का इसलिए टेंशन बनी क्योंकि मैं अलग अलग आपको बताया कि आईडीज का इस्तेमाल मुझे करना पड़ा आप तक एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए, काफी मसलों का सामना करना पड़ा। तो लें जी अपना ये वाला स्टेप भी उसने कर दिया क्लियर, यहां उसने बोला जी जो आप काम किया वो आपका ये वाला स्टेप भी क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी हमें जाके अपने यूट्यूब चैनल से फिर तसल्ली करनी पड़ेगी क्या ये वाकई ही हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा एडसेंस बना है लेकिन एडसेंस के ऊपर हमने अपनी वो इन्फॉर्मेशन नहीं पुट की जिस नाम से हमारा एडसेंस होना चाहिए। तो अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा उस चीज को, उस जगह पे चलते हैं और काम करते हैं स्टार्ट। तो यूट्यूब हम ओपन करेंगे, इसको अच्छे से समझने की आप लोगों ने कोशिश कर लेनी इस लेक्चर्स को, ताकि ये लेक्चर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा आसान भी है। ठीक है, अब देखिए अपना हमने चैनल ओपन किया, लॉगिन करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो में चलते हैं। तो आपने पहले लॉगिन किया होगा तो आपको मसला नहीं बनेगा, नहीं तो लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद चैनल पे क्लिक किया हम लोगों ने अपने, जिसका पहला वाला स्टेप हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब उसके स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे और जाएंगे हम अभी भी इसके मोनिटाइजेशन ऑप्शन में। क्लिक किया, हम कहते हैं अपना मोनिटाइजेशन इनेबल करके दे हमें। तो क्लिक करने के वक्त जो पहला पॉइंट आपको ग्रीन हो चुका था, अब दूसरे पॉइंट में स्टार्ट पे कर देते हैं क्लिक, ताकि साइन अप फॉर एडसेंस हम अपने एडसेंस के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर सकें जी, जस्ट, और कुछ भी मुश्किल काम नहीं है जी। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे अपने एडसेंस के ऊपर, जबकि यहां पे लिख होता है कि वो कहते हैं हम आपको रीडायरेक्ट करने लगे हैं एडसेंस के ऊपर, आप नेक्स्ट करना चाहेंगे। हम कहते हैं जी बिल्कुल हम नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो अभी हम क्या कर देते हैं नेक्स्ट पे जाकर कर देते हैं क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब वो रीडायरेक्टिंग कर रहा है हमें हमारे एडसेंस के ऊपर। तो एडसेंस के अंदर जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या है वो आपके सामने वन बाय वन करके मैं शेयर कर दूंगा। अब यहां एक पॉइंट आ रहा है अच्छे से अगर आप समझ पाए इस चीज को, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके क्लियर कर दूं। ये यहां पर वो कह रहा है कि आपका ऑनलाइन अर्निंग 1586@gmail.com वाला है, इस अकाउंट के ऊपर जाना है, लेकिन मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जो ऑनलाइन अर्निंग वाला मैंने अपना जीमेल आईडी बनाया था वो भी मैंने अपना माजिद अली के नाम से बनाया हुआ है, या जो भी नाम है उस नाम से बनाया हुआ है। तो दूसरा जो अकाउंट है वो भी मैं उसी नाम से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने बोला इस नाम का पहले एक अकाउंट आपका बना हुआ है। तो अब जो दूसरा अकाउंट मैं आज एडसेंस इस्तेमाल करूंगा वो दूसरा एडसेंस अकाउंट हमने कहना है कि चैनल ऑनलाइन अर्निंग वाला ही। ठीक है, मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूँ कि चैनल मैंने ऑनलाइन अर्निंग वाले के ऊपर बनाया है, एडसेंस दूसरे आईडी के ऊपर यूज किया है। आप लोगों ने एक ही आईडी के ऊपर आपका चैनल भी बन जाएगा, एडसेंस भी बन जाएगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे, आपको ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। तो मैं यहाँ पे यूज एन अदर अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ और उस अकाउंट के ऊपर जाके इसके जो काम है वो काम कर लेता हूं मैं स्टार्ट। यहां पर एक आपका आ जाएगा ईमेल आईडी जो हमने पहले शो किया हुआ है आपको, एक ईमेल एड्रेस, और उसे आपने कर देना है नेक्स्ट।
कि इस ईमेल आईडी का हमने एडसेंस इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट करें और इसका जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपने यहां पुट कर देना है, जो भी पासवर्ड होगा आपके ईमेल आईडी का जिसके ऊपर एडसेंस आप लोग चाहते हो। अब नेक्स्ट किया, इसका पासवर्ड दोबारा चेक कर लेते हैं क्या पासवर्ड लिखा गया। पासवर्ड अच्छे से सोच के फिर लिखने की ट्राई करके देखते हैं कि इसका पासवर्ड क्या लिखा था। अब नेक्स्ट करते हैं, ओके, अगेन अपना ईमेल लिख देते हैं ज़रा तसल्ली करके कि जो हमने ईमेल लिखा क्या वो ठीक भी है कि नहीं है। ईमेल बिल्कुल ठीक है। अब पासवर्ड को ट्राई कर लेते हैं अपने पास, और हमारा ये पासवर्ड भी तकरीबन जितने डिजिट्स हैं वो सारे ट्राई करते हैं इस बार लिखे। तो अब कनेक्ट, उम्मीद है कि हो जाएगा, पासवर्ड अब ठीक से लिखा गया था ये वाला। फिर मतलब जो जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसके मैंने अलग अलग क्लिप इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें ना मसला ना बन पाए जी। ले जी, अब हमारा एडसेंस का अकाउंट हो जाता है ओपन। अब इसके अंदर जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपसे पूछेगा, कहते जी आपका ईमेल आईडी जो हमने इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल ये वाला है, ये आपका चैनल का एड्रेस है, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस हम इसमें कह लेते हैं, यह समय हेल्प के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो यहाँ आप लाजमी तौर पर इसे पुट कर दीजिएगा। तो इसे नीचे कर लेते हैं हम पेज को और देखते हैं जिसमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ले जी, यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ है क्या हमारे पास, इसे यस कर दिया। यहाँ से आपकी जो भी कंट्री है आपने अपनी कंट्री को कर लेना है चूज़। तो हम कहते हैं जी कंट्री आप कर दें पाकिस्तान, और कंट्री के बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, फिर से इसको आपने कर लेना है यस आई हैव रीड, और क्रिएट अकाउंट पे करना है क्लिक। तो जब इसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो देखते हैं जी हमारे सामने कौन सा मैसेज आता है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमें डिस्प्ले करने को मिलती हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ अभी शेयर मैं पहले अच्छे से कर दूंगा। नहीं जी, इसे हम कर देते हैं गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये एडसेंस का लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा लेंथी है और अच्छे से हमें समझना मजबूरी है, तो समझेंगे हम लाजमी जी, हमारे लिए ज़रूरी भी है, यही वो स्टेप बेस करता है पूरी आपकी ज़िंदगी पूरे चैनल के ऊपर। तो हमने एडसेंस क्लिक कर दिया है, अब वो हमें कुछ चीज़ें आगे इंस्ट्रक्शन देगा कि इन चीज़ों को फॉलो करें अगर आपने एडसेंस में काम करना है तो। तो वो लोडिंग करने की कर रहा है कोशिश ताकि हमें परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े जब हम काम कर रहे हो। तो एडसेंस बहुत वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए, बस हमें बस इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर आप इसकी केयर कर पाएंगे तो समझिएगा कि आप एक बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे इस YouTube के ऊपर जी। तो यहाँ पे जब वो लोडिंग हो रहा है, वेरीफाई कर रहा होता है आपके एडसेंस अकाउंट प्लस आपके चैनल को, लें जी उसने कहा जी ये जो काम था वो स्टेप आपका क्लियर हो चुका है, अब आपका एडसेंस के लिए आखिरी स्टेप है, तो वो आखिरी स्टेप यहाँ पे पूरा किया जाए। तो पूरा स्टेप क्या होगा वो मैं आपके साथ यहाँ कर लेता हूँ शेयर। शेयर करने में क्या है, एक होता है नेम, एक होता है उसका एड्रेस, कुछ चंद जरूरी जरूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मैं शो करवा देता हूँ। नेम, आपका नेम आ जाएगा एड्रेस में, एड्रेस वन, एड्रेस लाइन टू, जैसे कि हाउस नंबर कुछ भी, उसके आगे जो आपने गली मोहल्ला जो भी लिखना है, गली स्ट्रीट नंबर दिस वन जो भी आगे इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप एड्रेस लाइन टू में पुट कर दीजिएगा। ये सिंपल सी बात जहन में रख लेनी है आपने। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो भी आप जिस नाम के ऊपर आप, कोई भी नाम से मुराद कि जिसका आईडी कार्ड बना है, जिसके नाम पर आप सारा का सारा काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर उस शख्स का नाम इस्तेमाल करना है। ये बात जेन में रख ले फाइनल अच्छे तरीके से कि ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ, कोई और काम नहीं करना। इसका फुल नेम क्या होता है, आपने अपना फुल नेम टाइप करना है, जो आईडी कार्ड के ऊपर फुल नेम है वो मैं क्या कर देता हूँ साथ साथ, कुछ चीज़ों का मैं यहाँ से कर लेता हूँ गायब कर देता हूँ ताकि जो फुल नेम लिखा जाए सिक्योरिटी के रीजन के लिहाज से उसे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ हाइड। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात जितनी की है वो समझ आई होगी, ऊपर से भी यहाँ पे मैंने कर दिया इतना सा जी। उसके बाद आगे अगले स्टेप पे चलते हैं जी हम जरा। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास हाउस नंबर लिखा आ रहा है आपके साथ में, यहाँ पर आपने पूरा का पूरा हाउस नंबर की जो डिटेल आपके जहन में होगी वो सारी की सारी आपने पुट कर देनी इस जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है।
इसे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। इन्फॉर्मेशन पुट करनी है आपने, मैंने इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ वहाँ पर, अब जो भी लिखी थी वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, ताकि हमें परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े। और जो बाकी एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसे मैं थोड़ा ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिक्योरिटी रीज़न के लिहाज से कोई परेशानी का सामना ना मुझे करना पड़े ना आपको वैसे किसी करना पड़े जी। अनएक्सपेक्टेड एरर लिखा आ रहा है, अगर ऐसा लिखा आए तो आपने अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है, फिर वो क्या दोबारा इन्फॉर्मेशन पुट करने का बोलेगा। तो ये अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हो जाए तो आपको जो तरीकाकार बताया आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, रिफ्रेश किया एक बार फिर से पेज को, और क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर चेंज करनी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन अब चेंज करनी है, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आएगा वो अपना मैं लिख देता हूँ वहाँ पर, जो भी है जो एड्रेस लिखना है वो मैं एड्रेस लिख रहा हूँ वहाँ पर। अब सेकेंडली एड्रेस टू जो आना है वहाँ पर एड्रेस टू आपका मैंशन हो जाएगा, ताकि आप लोग भी अपने अच्छे से क्रिएट कर सकें और मुझे भी कोई परेशानी का सामना ना हो जी। तो ये दो चीज़ें पुट हो जाएंगी। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है वो भी देख लेते हैं, इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का मतलब आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका एग्जैक्ट नेम वहाँ पे जो होगा वही आपने टाइप करना है, और कोई नहीं लिख देना। और एड्रेस भी आपने प्रॉपर टाइप करना है जिसके ऊपर आपको इन्होंने पिन भेजनी होती है। इस एड्रेस का मतलब होता है कि इन एड्रेस वालों ने आपके इस एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन पिन भेजनी होती है, जो कि आपको पिन वसूल होगी तो आपका एडसेंस अमाउंट अप्रूव होगा। वो कब होगा? जब आप इनके सारे टारगेट पूरे कर चुके होंगे, पिन इन्होंने तब भेजनी है। अभी कोई पिन भेजने वाले ये लोग नहीं है जी आपको। तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से कह देता हूँ उसे कि हमें वो चीज़ें दिखाई जाएँ अच्छी सी कम से कम करके। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पेज ले जी, अब इसमें उतनी की चीज़ें नज़र आएंगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो सारी की सारी कर लेता हूँ यहाँ से क्लियर ले जी। अब एड्रेस ऊपर लिखा जा चुका है, यहाँ पर आपकी सिटी जो भी है यहाँ पर आपकी सिटी आ जाएगी। यहाँ एक कोड लिखा आ रहा है, मैंने जो भी लिखा आ रहा है बेसिकली आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर सर्च करना है कि आपका पोस्टल कोड क्या है। गूगल पे सर्च करना ये मेरी जगह है, इसका जिप कोड या पोस्टल कोड लिख के एंटर करोगे, जो कोड वो देगा आपने एग्जैक्ट कोड लिख रहा है तब आपके पास जो वो एग्जैक्ट चीज़ आएगी। और अगर सच्ची बात आपको मैं बोलूँ तो जो पोस्टल कोड मैंने लिखा है, मेरा प्रीवियस अकाउंट मैंने पोस्टल कोड ये नहीं लिखा था, अभी भी जो मेरा इलाका जो मेरा एरिया है उसका पोस्टल कोड मैंने अभी भी नहीं दिया। आप एग्जैक्ट पोस्टल कोड ही दीजिएगा ताकि पिन आपके पास आपके घर पे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका अकाउंट कैसे अप्रूव हुआ? तो वो मैं आज का आंसर से इतना सा देना चाहूँगा कि मैंने गूगल वाले एडसेंस वाले आपको फिर ये कहते हैं कि अगर आपको के पोस्ट सर्विस का भी मसला बनता है ये वाला, तो होता ये है कि आपको पिन मोस्टली नहीं आपके घर पे आ पाती। ठीक है, मेरी इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने पोस्टल कोड ठीक नहीं टाइप किया था। मोस्टली पोस्टल वो समझते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस या दूर हो सकता है या वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, वो 3 महीने आपको वेटिंग पे रखते हैं, फिर 3rd महीने जाकर आपको आपका अकाउंट ऑटोमेटिक अप्रूव करवा देते हैं अगर आपको पिन ना आए। और अगर आपको पिन चाहिए तो आप काइंडली अपनी प्रॉपर डिटेल ही पुट कीजिएगा। तो मैंने अपनी प्रॉपर डिटेल पुट कर दी और इससे आगे काम को लेके बढ़ते हैं मज़ीद आगे जी। अब आपने सबमिट के बटन पे इस पर क्लिक कर देना है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर की प्रॉपर सबमिट हो सके, और सबमिट होने के बाद आगे जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपके साथ लाजमी अभी शेयर कर देता हूँ। तो ये लेक्चर काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी वैल्यू रखता है, हमारे पूरे चैनल की बेस इसी लेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको आपको अच्छे से एक पॉइंट अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ में काम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी ख़ास तौर पे चीज़ है, मैं इसे प्ले कर देता हूँ इस चीज़ को जहाँ पे हमने छोड़ा काम, ताकि मैं आपको सबमिट करना दिखा सकूँ कि लें जी। इसे कर देता हूँ मैं क्लियर, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में मैंने अभी लगाए साइन वगैरह लें जी। क्लिक किया सबमिट ऑप्शन पर इस पर, तो यहाँ पर एक ये लोडिंग होती है आपको नज़र आ रही है। जब ये लोडिंग हो रही तो यहाँ वो कहता है जी आप अपना यहाँ पे एक सेल नंबर लिखें, फ़ोन नंबर।
तो यहाँ पे मैं कोई भी फोन नंबर लिखूंगा, इस फोन नंबर का मेरे साथ एक थोड़ा सा मुझे, क्योंकि एडसेंस काफी देर पहले शुगर में वो मजार बना लिया था, तो जब अब ये बनाना पड़ा तो मुझे बड़ी मेहनत इसके ऊपर करनी पड़ी। यहाँ पर आपको मैंने जो नंबर रखा हुआ एक्टिव, आपने वही अपना नंबर जिससे आपने जो भी, क्योंकि आपने एक ही नंबर यूज करना हर जगह पर, आपका ईमेल आईडी भी एक ही यूज होगा, तो मैंने जारी बात है जिसका अकाउंट मैंने यूज किया है मैं उसका नंबर यहाँ लिखूंगा, क्योंकि उसने अपने नंबर के ऊपर ही आईडी बनाया था। आपका एक ही नंबर होगा, उसी का आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर जो लिखना है वो बड़ा मतलब अच्छे तरीके से क्यों लिखना है, मेरे साथ जो मिस्टेक हुई वो ये मिस्टेक हुई थोड़ी सी कि जब कोई नंबर यहाँ लिखा जाता है उसको जीरो से शुरू नहीं करना। जो मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया था दरअसल मैंने जीरो से शुरू किया और मुझे इतनी परेशानी का सामना पड़ा, बार बार मैं यहाँ से आके इसे जब क्लिक करता था टेक्स्ट वेरिफिकेशन के ऊपर उस नंबर को लिखने के बाद, तो आगे से मुझे बार बार कह देता था एरर। क्या एरर देता था और क्यों एरर देता है, क्योंकि मैंने उसका नंबर जो था वो प्लस 92 से शुरू नहीं किया था पाकिस्तान के लिहाज से, तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। आप लोग काइंडली इस चीज से बचिएगा। मैं स्क्रीन थोड़ी फुल स्क्रीन कर देता हूँ लें जी, और वीडियो नंबर 3 पे चलता हूँ, और वहां जाके जब आपने एक नंबर टाइप करना जो है तो वो नंबर ये लेंगे, मैं वापस आ चुका हूँ लेकर आपको। यहाँ एक हमने एक नंबर टाइप करना है, जीरो से शुरू नहीं करना, जैसे जीरो से मैंने शुरू किया जीरो नहीं, जिस भी आप कंट्री में मौजूद हो उसका जो कोड होता है वो आपने लिखना है। जैसे पाकिस्तान में प्लस 92 है तो आपने प्लस 92 कोड का ही इस्तेमाल करना है, और कुछ ना इस्तेमाल कीजिएगा। मैं काफ़ी सारा परेशानी का सामना इस वजह से कर चुका हूँ ताकि आप लोग इस परेशानी का सामना ना करें, इसलिए ये अच्छे तरीके से स्टेप को फॉलो कर लेना आपने। यहाँ पर आप ना लिखने लगे एक मोबाइल नंबर, देखे प्लस लिखा गया, प्लस 92 लिखा मैंने, ये प्लस 92 आगे एक नंबर पूरा करेंगे अब हम, जिसके ऊपर हमने वो एडसेंस अपना क्रिएट किया हुआ जीमेल वगैरह सारी डिटेल, तो एक नंबर वहाँ लिखा जा रहा है। जैसे थोड़ा सा कम शो कर देता हूँ, कुछ नंबर लिखा, उस नंबर को लिखने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो लिखा था टेक्स्ट मैसेज, कि टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं हम, टेक्स्ट मैसेज करके गेट वेरिफिकेशन कोड पे किया क्लिक, तो आपके मोबाइल नंबर का भी उसके ऊपर एक कोड आएगा, जो आपने कोड यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड में पुट कर देना है, जो इस तरीके निशानदेही होगी कि जो नंबर जिसने पुट किया है उसी का अपना नंबर है, जो बंदा चैनल के ऊपर एडसेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी एक मैसेज हमारे पास आ गया था, तो वो जो कोड जो भी आया था वो कोड आपके सामने, उसे बता भी दिया जाए किसी को तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो नंबर एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल नहीं होना होता जी। तो ये आपका 6 डिजिट का कोड आ रहा है, यहाँ वो कोड लिख लेते हैं अपने पास, और लिखने के बाद इसे कर देंगे जस्ट सबमिट, कि ये वाला हमारा अकाउंट जी सबमिट किया जाए, हमारी वेरिफिकेशन के तमाम स्टेप को कंप्लीट किया जाए। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ मैं छोटा सा वीडियो फिर स्टॉप कर लेता हूँ, और थोड़ा सा जूम करके शो कर दूँ आपको मैं क्या क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ये लिखी आ रही इस तरह से, अगर मैं इस तरह दिखा दूँ आपके लिए, वी कुड नॉट रिडायरेक्ट यू टू योर होस्ट, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो कहते हैं हम आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं करने वाले, और वो कहते हैं कि आपका एक एरर हो सकता है ये वाला एसोसिएट अकाउंट बनाने के दौरान, तो आप लोग लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि यू ऑलरेडी आपका अकाउंट ये वाला बन चुका है, इसलिए आप वेट करें, मतलब इसको जब हम ओके करेंगे, ये जब इन्फॉर्मेशन हमने पुट की यहाँ पे सारी की सारी, इसको आपने अच्छे से रीड किया, रीड करने के बाद इसे गोट इट पे हमने क्लिक कर देना है, और गोट इट पे जब क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर एक और इन्होंने मैसेज दिया हुआ है, वो मैसेज भी आपको मैं क्लियरली करके समझा देता हूँ उस मैसेज का भी मकसद क्या होता है। गोट इट करने के बाद मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ, ये लिखा आ रहा है वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग यू अप, के हम आपने जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड की है हम उसकी चेकिंग करने लगे हैं, उस चेकिंग करने के दौरान क्या क्या हो सकता है, कहते हैं दिस यूजली टेक लेस देन अ डे, कम अज कम एक दिन का टाइम लग सकता है, बट इन सम केसेस में इट कैन टेक अ बिटर लॉन्गर, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लग जाता है। वी विल नोटिफाई यू व्हेन एवरीथिंग रेडी, जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे, और द स्टार्ट अर्निंग मनी बाय प्लेसिंग एड, और आपको एड प्लेस करते जाएंगे जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने आपको कोई नोटिफाई इधर जीमेल पे कुछ नहीं करते, आपने अपना चैनल खोल के वेरीफाई करना है, अगर तो वो ग्रीन पॉइंट जो भी रेड जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं
अगर तो वो रेड की जगह से ग्रीन हो चुका होगा तो आपने कहना है डन, नहीं तो अभी नहीं। और ये क्या जो कह रहे हैं कि आपको फ़ौरन से ऐड मिल जाएंगे, तो फ़ौरन से कोई ऐड अभी नहीं मिलने, वो इसका नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे तो फिर ये काम होना क्लियर। इसे मैं प्ले करके आगे शो कर रहा हूँ वीडियो से आगे मैं, तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर मैंने फिर एक रात पूरा वेट किया कि ये काम मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ़ौरन से कोई रिप्लाई मुझे इनका नहीं मिल पाया था। तो जब मैंने पूरी एक रात वेट करने के बाद जब सुबह उठा मैं, तो सुबह उठने के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरा जो एडसेंस वाला मसला था स्टेप नंबर 4 मैंने जो किया रिकॉर्ड, फिर ये देखिए जी, ये स्टेप नंबर 4 के अंदर दो नंबर जो मेरा स्टेप है शो कर देता हूँ मैं अगेन अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बात। ये देखिएगा जी, अगेन पीछे चलते हैं, मेरा एडसेंस का जो रिक्वेस्ट थी वो उन्होंने ग्रीन कर दी है। इसका मतलब वो कहते हैं जी आपका ये वाला स्टेप भी क्लियर हो चुका है, स्टेप नंबर आ चुका है, 1 भी क्लियर, 2 भी क्लियर, स्टेप नंबर है 3। तो ये उससे भी आसान है, प्ले करके दिखा रहा हूँ क्या करना है जी। स्टार्ट पे क्लिक सिर्फ आपने, कहते हैं जी ये तमाम तरह के एड्स आपके चैनल पे हम अलाउ करेंगे, तो हम कहते हैं जी सेव कर दो, ठीक है ये सेटिंग भी हमें एक्सेप्ट है आपकी। तो ये वाला काम आपका इस तरह से एडसेंस वाला क्लियर हो जाएगा। तो ले जी स्टेप नंबर जो आपका आ रहा था 1, 2, 3, तीसरे वाला भी ग्रीन है। अब जो आपकी असल गेम है, वो असल गेम आपकी शुरू होती है अब से। वो कहते हैं जी अगर तो आपने रिवॉर्ड लेना है, इसका रिव्यू लेना है, लेकिन आपको जो पैसे वगैरह मिलने हैं वो कब मिलेंगे? एक तो पहली चीज़ आपने एक साल, अब ये नहीं कि एक साल, उन्होंने साथ बोला है कि लास्ट प्रीवियस मतलब के 12 मंथ, आपके पिछले 12 महीनों के अंदर आपने 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे और एक, ये पता लग गया, 1000 व्यू, 4000 घंटे और 10,000, ये उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन 10,000 व्यू भी आपको इधर से इकट्ठे करने पड़ते हैं तब जाके आपके चैनल के ऊपर कहीं मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होती है, तो फिर आप अर्निंग की तरफ जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला लेंथी लेक्चर है लेकिन आपकी ज़रूरत का था। मुझे खुद इसके ऊपर बहुत मेहनत करके ये स्टेप्स आपके लिए बनाने पड़े, क्योंकि मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा इसको पूरा करने के लिए। तो ये शुक्र है कि आज तकरीबन ये काम मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ तक आपके जो स्टेप्स जरूरी थे वो सारे के सारे आपने ऐसे ऐसे फॉलो करते जाना है। और आखिरी बात यही है, एक मोबाइल नंबर आपने इस्तेमाल करना है, वही आपने उसी से अपना ईमेल आईडी बनाना है, उसी नंबर से अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करवाना है। एक नंबर और एक ईमेल का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप मेरी तरह ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेगा, आपको आसानी हो जाएगी। मैंने कोशिश ये समझाने की है कि आपने कैसे कैसे इसको फॉलो करना है। तो अब चलते हैं अपने इस काम को ख़त्म करने के बाद हम जंप करेंगे अपने किस जगह के ऊपर, अपने कैमरा के ऊपर, ताकि जहाँ पे हम बात अपनी फाइनल करें और ख़त्म करें जी बात इस चीज़ को। तो प्लीज़ चलते हैं कैमरा के ऊपर जी। जी स्टूडेंट्स, हम लोग वापस आ चुके हैं कैमरा स्क्रीन के ऊपर, और जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि क्या क्या मामला से मैं डील करके मुझे तय करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन अर्निंग का कह तो दिया था कि स्टार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी इस लेक्चर को आप तक पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना आप लोगों ने, ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियोज़ को अपलोड करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है इसके ऊपर वो सारा आपको अच्छे से समझाने की करूँगा कोशिश। ये जो लेक्चर अभी आप अगर लास्ट तक सुन पाए इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं करना, एक आईडी के ऊपर काम करना, आपके सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जिंदगी रही तो पूरी मुलाकात करूँगा एक यूट्यूब के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय।